आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, एक जानकारी जो कि आप लोगों ने हमसे पूछा था कमेंट के माध्यम से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको राशन कार्ड के बारे में रिलेटेड वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें, न्यू राशन कार्ड और कैसे इस करेक्शन के लिए अप्लाई करें। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसी में आपका एक सवाल था कि डीलर का जो लाइसेंस नंबर है वो ऑनलाइन कैसे निकाले। जो भी राशन कार्ड का जो डीलर होता है उनका लाइसेंस नंबर कैसे निकाले, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त डीलर का लाइसेंस नंबर और नाम देना होता है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी होता है। और आप जानेंगे इस वीडियो में कि अपने डीलर का लाइसेंस नंबर कैसे निकाले और वो किस मंथ में कितना खरीदा और उसका चालान भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बिहार की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जो आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में भी सर्च करेंगे sfc.bihar.gov.in, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक डीलर सर्विस, डीलर सर्विस में आएंगे सबसे ऊपर में आपको मिलता है एफपी शॉप वाइज। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करें कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे लेटेस्ट ईयर जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर, मतलब लेटेस्ट अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 2020 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट मंथ जो है वो अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट जिला सेलेक्ट करेंगे, उसी के साथ साथ अपना ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद इस ब्लॉक में जितने भी डीलर हैं वो सारे डीलर के इसमें लिस्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये डीलर का लिस्ट है और डीलर के यहाँ पे देखिए डीलर का नाम है, उसके साथ साथ उनका लाइसेंस संख्या और किस साल उनको लाइसेंस मिला ये सब भी यहाँ पे दर्शाया गया है। जो भी आपका डीलर होगा उसका नाम भी आप देख सकते हैं और उसका लाइसेंस नंबर क्या है वो देख सकते हैं और किस साल उसको मिला है वो भी देख सकते हैं। लाइसेंस नंबर में ये जो नंबर होता है फ्लैश 2018 ये साल भी देना, लाइसेंस नंबर में आपको उनका नंबर और साल भी दर्शाना होता है। तो यही छोटा सा माध्यम था जिससे आप अपने डीलर का लाइसेंस नंबर ऑनलाइन निकाल सकते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे एक है तो इनका नाम है और यहाँ पे इनका जो लाइसेंस नंबर 58/20/18 ठीक है, यानी कि इसका लाइसेंस नंबर जो हो जाएगा ये इनका लाइसेंस नंबर में इनका लाइसेंस नंबर भी प्लस साल भी लिखा जाएगा। जहाँ भी आप डीलर का लाइसेंस नंबर लिखिएगा तो इस नंबर के साथ साथ आपको उनका साल भी लिखना होगा, तभी वो डीलर नंबर वैलिड होगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सेलेक्ट कर लिए डीलर जो, उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये अप्रैल मंथ में कितना खरीदारी किए, कितना गेहूँ कितना चावल वो देख लीजिए और उनका स्टेटस देख सकते हैं अप्रूवल हुआ है ठीक है। और अमाउंट भी यहाँ देख सकते हैं कितना अमाउंट लगा है और यहाँ से उनका जो ई चालान होता है ई चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा माध्यम था जिससे आप अपने राशन कार्ड डीलर का लाइसेंस नंबर और उनका डिटेल निकाल सकते हैं किस मंथ में वो कितना खरीदा और यहाँ से आप उनका चालान भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कंप्लेन है या शिकायत तो वो भी कर सकते हैं ऑनलाइन ठीक है। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सबमिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप उस पर एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप पूछ रहा है किस टाइप का आपको इशू है, किस टाइप का आपको कंप्लेन है ठीक है, बैंक रिलेटेड इशू, कार्ड रिलेटेड इशू, डीलर इशू, जो भी इशू वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करें किस आपका जो इशू है वो किस कैटेगरी का है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, उसके बाद एड्रेस देना, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है कंप्लेन। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई दस्तावेज वगैरह अटैच करना चाहते हैं अटैच कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा, मतलब कंप्लेन नंबर। फिर उसकी स्टेटस चेक करने के लिए फिर से यहीं पर आएंगे और यहाँ पर नो स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नंबर मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो देंगे और यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं अपनी कंप्लेन का। इसी तरह का आप यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विस मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। जिस वीडियो में आपने सीखा कि अपने राशन कार्ड डीलर का डीलर नंबर कैसे निकाले और वो किस मंथ में कितना चावल गेहूँ खरीदे, उनका कितना बिल बना था, और ई चालान भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेज को जानकारी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेज को जानकारी के साथ।